हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द गटलेस ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो हमारा मेटल फॉर्मिंग के सेशन में जो शीट मेटल ऑपरेशन है उसका सेकंड पार्ट का जो लेक्चर है वो अब स्टार्ट होने वाला है। शीट मेटल ऑपरेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट से, दैट इज़ द ड्रॉइंग। जो आपका नेक्स्ट शीट मेटल ऑपरेशन है वो है आपका ड्रॉइंग। तो ड्राइंग नाम आपने सुना होगा आपके वायर ड्राइंग ऑपरेशन में भी। तो वायर ड्राइंग ऑपरेशन अगर होगा तो उसमें मेंशन होगा कि वो वायर ड्राइंग ऑपरेशन है, और अगर सिंपली शीट मेटल ऑपरेशन होगा तो उसमें सिंपल लिखा होगा कि ये ड्राइंग ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? ड्राइंग ऑपरेशन है। तो बेसिकली ये ड्राइंग ऑपरेशन है क्या? इस ड्राइंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इस ड्राइंग ऑपरेशन में हम विद द हेल्प ऑफ द शीट मेटल की हेल्प से हम उसे 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके बेसिक्स एग्जांपल्स की, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो हमारे घर में जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं, ठीक है, अगर आप किचन में देखेंगे तो आपकी जो थाली होती है, आपकी जो ग्लास होती है, ठीक है, उसका आपका जो बाउल होता है, वो सभी के सभी शीट मेटल ऑपरेशन से बनाए जाते हैं, और वो शीट मेटल ऑपरेशन में भी आपके ड्राइंग ऑपरेशन से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग ऑपरेशन हम शीट मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ड्राइंग ऑपरेशन में क्या होता है, ड्राइंग ऑपरेशन में आपका जो शीट मेटल होता है, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके उसको 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है? 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जो हम 3D ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, उस 3D ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर होगा वो आपके शीट मेटल की थिकनेस से बहुत ज़्यादा होता है। जो डायमीटर होता है वो आपकी शीट मेटल की थिकनेस से बहुत ही ज़्यादा होता है। आप खुद मेज़र करके देखिएगा, आपकी ग्लास का डायमीटर और आपकी जो ग्लास की जो थिकनेस है, उसमें जो शीट यूज़ में ली गई है उसकी जो थिकनेस है, उनका रेशियो क्या होगा। तो डायमीटर एज़ कम्पेयर टू द थिकनेस वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये जो आपका ड्राइंग ऑपरेशन है, ये आपका हॉट कंडीशन यानी हॉट ड्राइंग और आपका कोल्ड कंडीशन यानी कि कोल्ड ड्राइंग, दोनों कंडीशन में किया जाता है। हॉट भी किया जा सकता है और कोल्ड भी किया जा सकता है। हॉट ड्राइंग तब किया जाएगा जब आपकी शीट की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब आपकी शीट कैसी हो थिन हो, थिन नहीं, थिन से भी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी आपकी शीट कैसी हो, थिक शीट्स हो। कैसी शीट्स हो? थिक शीट्स हो। कोल्ड ड्राइंग में क्या होगा कि आपकी शीट कैसी हो, जल्दी से बताओ, थिन शीट हो। कैसे शीट हो? थिन शीट हो। तो जब आपकी शीट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी, मतलब आपकी शीट थिक होगी, तो उस कंडीशन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोर्स एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डक्टिलिटी, व्हाट विल डू, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर एंड वी विल परफॉर्म द हॉट ड्राइंग ऑपरेशन। हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? हम परफॉर्म करेंगे आपका हॉट ड्राइंग ऑपरेशन। हॉट ड्राइंग ऑपरेशन में जो आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनकी जो वॉल होगी वो कैसी वॉल होगी? थिक वॉल होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, उनकी वॉल कैसी होगी? थिक वॉल होगी। और विद द हेल्प ऑफ द हॉट ड्राइंग ऑपरेशन हम सिंपल ज्योमेट्रीज के ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। किसको? सिंपल ज्योमेट्रीज के ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिंपल से पॉइंट है जो आप ऑलरेडी मेटल फॉर्मिंग में जानते हो कि हॉट वर्किंग क्या होता है, कोल्ड वर्किंग क्या होता है, क्यों हॉट वर्किंग की जाती है, क्यों कोल्ड वर्किंग की जाती है, कोल्ड वर्किंग की मिनिमम क्राइटेरिया क्या होती है कि आपका मटेरियल सफिशिएंट डक्टाइल होना चाहिए। आपका मटेरियल कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट डक्टाइल होना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे कोल्ड ड्राइंग ऑपरेशन की। तो कोल्ड ड्राइंग ऑपरेशन का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपके फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो और जहाँ पर आपका फोर्स अवेलेबल भी क्या हो, कम हो। इन दैट कंडीशन व्हाट विल डू, वी विल डू द कोल्ड ड्राइंग ऑपरेशन। हम क्या करने वाले हैं? कोल्ड ड्राइंग ऑपरेशन करने वाले हैं। कोल्ड ड्राइंग ऑपरेशन में जो शीट्स होती है वो आपकी थिन शीट्स होती है, जिन पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के लिए आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
जनरली सॉरी कोल्ड ड्रॉइंग ऑपरेशन में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो थिकनेस होती है उसमें जो चेंज होता है वो बहुत ही नेग्लेजिबल होता है। कैसा चेंज होता है? नेग्लेजिबल चेंज होता है। कभी कभी हम कह सकते हैं कि जो चेंज होगा वो नो चेंज होगा। समटाइम्स वी कैन कंसिडर द चेंज इन द थिकनेस इन द कोल्ड ड्रॉइंग ऑपरेशन इज ज़ीरो। मतलब जो थिकनेस रहेगी वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। थिकनेस क्या रहेगी आपकी? ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। नाउ कम टू द ड्रॉइंग ऑपरेशन की, ये जो आपका ड्रॉइंग ऑपरेशन होता है ये कैसे कैरिड आउट किया जाता है। सो दिस इज योर ड्रॉइंग ऑपरेशन। इस ड्रॉइंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? इस ड्रॉइंग ऑपरेशन में हम पंच, डाई और ब्लैंक होल्डर का यूज़ करते हैं। इनिशियल कंडीशन में क्या होता है? इनिशियल कंडीशन में आपका पंच ओपन कंडीशन में होता है और आपके ब्लैंक होल्डर और डाई के बीच में एक ब्लैंक रख दिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? सिंपली विद द हेल्प ऑफ द पंच फोर्स, विद द हेल्प ऑफ द पंच फोर्स आपके पंच और डाई के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में इस ब्लैंक के मटेरियल का क्या करवा देते हैं? फ्लो करवा देते हैं और आपका जो ब्लैंक होता है वो आपके एक 3D ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि हम यहाँ पर जो ब्लैंक यूज में लेते हैं उसके डायमीटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसके डायमीटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो उसके जो डायमीटर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 3 फॉर्मूलाज यूज़ में आते हैं। यहाँ पर जो ब्लैंक यूज़ में आ रहा है उसका जो हम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ द साइज ऑफ द ब्लैंक, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूला हैं और वो तीनों फॉर्मूला आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। ध्यान रखिएगा ये जो ड्रॉइंग ऑपरेशन होता है इसमें ये जो आपकी जो ब्लैंक होती है उसकी जो थिकनेस होती है उसमें जो चेंज होता है वो नेग्लेजिबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। नाउ कम टू द एनालिसिस ऑफ द ड्रॉइंग ऑपरेशन। इस एनालिसिस में मैं आपको पहला पॉइंट बताने वाला हूँ, दैट इज द ब्लैंक साइज। ब्लैंक के साइज की क्या वैल्यू होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ब्लैंक साइज? So this blank size diameter will be equals to what? This value will be equals to under root of d square plus 4dh, under root of d square plus 4dh। ये चीज कहाँ से आई? देखिए आपके पास कोई एक blank है, so this is the blank, इसका जो diameter है वो है capital D। इसका diameter क्या है? कैपिटल डी। विद द हेल्प ऑफ द दिस ब्लैंक आप सपोज एक कप प्रोड्यूस कर रहे हो। क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? कप। सो दिस इज द कप। क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? कप। सिंपल ज्योमेट्री बना रहा हूँ। आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? सपोज कप प्रोड्यूस कर रहे हो। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन जो एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, जो वैल्यू पूछी जाएगी वो रिगार्डिंग द कप ही पूछी जाएगी। सो दिस इज द कप। इस कप की कुछ ना कुछ एक हाइट होगी और इस कप का कुछ ना कुछ एक डायमीटर होगा। तो देखिए ये वाला जो होगा ये होगा कप का डायमीटर। ये क्या होगा? कप का डायमीटर। और ये क्या होगा? सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द कप। ये आपके कप की क्या होगी? हाइट होगी। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए कप ऑफ द डायमीटर स्मॉल डी एंड द हाइट एच, द रिक्वायर्ड डायमीटर कैपिटल डी ऑफ द ब्लैंक विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4dh, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4dh, एंड दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड ओनली फॉर व्हेन डी इज मोर देन 20r, व्हेन डी इज मोर देन 20r, इफ डी इज लेस देन 20r देन व्हाट विल हैपन? दिस डी विल बी इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच, डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच, और यहां पर अब चेंज क्या आने वाला है, माइनस 0.5 आर, माइनस 0.5 आर, एंड दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड ओनली व्हेन योर द वैल्यू ऑफ द डी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 आर एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 20 आर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, व्हेन डी इज लेस देन 10 आर, व्हेन डी इज लेस देन 10 आर, देन दिस डी विल बी इक्वल्स टू, दिस डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये काफी बड़ा अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी माइनस 2 ऑफ आर स्क्वायर, डी माइनस 2 ऑफ आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको याद रखने, प्लस प्लस 4 डी, प्लस देखो पहले तो आ गया 2 आर, फिर क्या आ जाएगा 4 डी, 4 डी के बाद आपके ब्रैकेट में क्या आएगा, आपके ब्रैकेट में आएगा एच माइनस आर, एच माइनस आर प्लस प्लस 2 पाई, प्लस 2 पाई, 2 पाई के साथ आएगा आपके आर, और यहां भी ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट में आएगा आपके डी माइनस 0.7 आर. सो डी माइनस 0.7 आर, एंड दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड व्हेन डी इज लेस देन 10 आर, व्हेन डी इज लेस देन 10 आर. 99.99% आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 99.99% जो आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है, दिस इज डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 4 डी एच, डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 4 डी एच. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट द ड्रॉइंग फोर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ड्रॉइंग फोर्स. तो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो हमने बात की है फोर्स की, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी काफी सिंपल है. फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इनका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. तो बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द ड्रॉइंग फोर्स, कि ड्रॉइंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ड्रॉइंग फोर्स. सो दिस ड्रॉइंग फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, जो हम पंच पे फोर्स लगाते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एफ, जिसे हम पंच फोर्स भी कहते हैं. सो द वैल्यू ऑफ द एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, सो द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल्स टू पाई, एफ इज इक्वल्स टू पाई, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डायमीटर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमीटर. नाउ कम टू द एफ, एफ इज इक्वल्स टू पाई, पाई इंटू डी इंटू टी, पाई इंटू डी इंटू टी. तो ये क्या हो गया आपका, एरिया हो गया है, मल्टीप्लाई विद सिग्मा, सिग्मा इज द फ्लो स्ट्रेस, मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी माइनस सी, कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी माइनस सी, ठीक है. एंड व्हाट इज डी, डी इज द डायमीटर, डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम क्या कह सकते हैं कि सो दिस इज द डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ पंच, आपके पंच का डायमीटर. नाउ कम टू द टी, व्हाट इज टी, टी इज द ओरिजिनल, टी इज द ओरिजिनल ब्लैंक थिकनेस, टी इज ओरिजिनल ब्लैंक थिकनेस, सॉरी इट इज थिकनेस, टी इज द ओरिजिनल ब्लैंक थिकनेस. यह है आपका एमएम में, ये भी है आपका एमएम में, और उसके बाद है आपके सिग्मा, सिग्मा इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड द यूनिट ऑफ दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी इन मेगा पास्कल. एंड व्हाट इज कैपिटल डी, कैपिटल डी इज द ब्लैंक डायमीटर, कैपिटल डी इज द ब्लैंक डायमीटर, एंड द यूनिट ऑफ दिस ब्लैंक डायमीटर विल बी इन एमएम. नाउ सी, व्हाट इज सी, सी इज द करेक्शन फैक्टर, सी इज व्हाट, सी इज द करेक्शन फैक्टर. यहां पर करेक्शन फैक्टर को क्यों कंसिडर किया गया है, यहां पर करेक्शन फैक्टर को इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि आपके मटेरियल में, आपके
पंच में और आपकी डाई में सभी जगह फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन वी आर कंसिडरिंग द करेक्शन फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ दिस करेक्शन फैक्टर इज जनरली 0.7। ये क्या वैल्यू हो जाएगी? 0.7 वैल्यू हो जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ड्रॉइंग फोर्स। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द ड्रॉइंग फोर्स। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लैंक होल्डर पर। ये ब्लैंक होल्डर क्यों रखा जाता है? ये इसलिए रखा जाता है ताकि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो आपका ब्लैंक रखा गया है उसमें ज़्यादा रिंकलिंग प्रोड्यूस ना हो जाए, उसमें ज़्यादा रिंकलिंग प्रोड्यूस ना हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक होल्डर रखकर एक ब्लैंक फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो मटेरियल है, आपका जो मटेरियल है वो इजीली क्या हो जाए, ड्रॉएबल हो जाए। इजीली क्या हो जाए, ड्रॉएबल हो जाए। तो इसकी ड्रॉएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम ब्लैंक होल्डर लगा रहे हैं उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी ऑलवेज लेस देन द ड्रॉइंग फोर्स। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ब्लैंक होल्डिंग फोर्स। की ब्लैंक होल्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय द ब्लैंक होल्डिंग फोर्स? तो ब्लैंक होल्डिंग फोर्स ये हमारा रिक्वायर होता है और ये डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल की रिंकलिंग टेंडेंसी क्या है, आपके मटेरियल की रिंकलिंग टेंडेंसी क्या है। ब्लैंक होल्डिंग फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इट विल बी 1/3 ऑफ द विच फोर्स, इट विल बी 1/3 ऑफ द ड्रॉइंग फोर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लैंक होल्डिंग फोर्स। दिस ब्लैंक होल्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है आपके 1/3 ऑफ ड्रॉइंग फोर्स, 1/3 ऑफ ड्रॉइंग फोर्स, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द रिंकलिंग टेंडेंसी ऑफ द ब्लैंक, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, दिस वैल्यू विल बी वेरीज फ्रॉम द 0 to 1/3, बट मैक्सिमम वैल्यू हमें से क्या होगी, 1/3 ऑफ द ड्रॉइंग फोर्स। अब ये जो वैल्यू हम डिसाइड कर रहे हैं ये किस बेसिस पे डिसाइड करें? दिस वैल्यू विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिंकलिंग टेंडेंसी, दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिंकलिंग टेंडेंसी ऑफ ब्लैंक, रिंकलिंग टेंडेंसी ऑफ ब्लैंक, और मैं कह सकता हूँ मटेरियल, रिंकलिंग टेंडेंसी ऑफ द ब्लैंक और द मटेरियल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ड्रॉ क्लियरेंस, दैट इज द ड्रॉ क्लियरेंस। की क्लियरेंस की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ड्रॉ क्लियरेंस? सो दिस ड्रॉ क्लियरेंस इज इक्वल्स टू डाई ओपनिंग डायामीटर माइनस 2.5 ऑफ टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पंच डायामीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पंच डायमीटर। तो ये आप खुद यहां से देख सकते हैं, कि ये है आपका पंच डायमीटर। सो इसको मैं लिख रहा हूं पीडी, और ये वाला है आपका क्या, ये वाला है आपका डाई ओपनिंग डायमीटर, दैट इज द डूड। तो पंच डायमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पंच डायमीटर विल बी इक्वल्स टू DOD, that is the die opening diameter, minus of this thickness. लेकिन अगर हम कुछ क्लियरेंस की भी बात करें तो 2T ना लेते हुए मैं 2.5T लूंगा। किसको लूंगा? 2.5T को लूंगा। अगर आपके क्वेश्चन में दिया जाता है what should be the value of the punch diameter if the die opening diameter is this and the thickness of the sheet material is this, then with the help of this formula you can calculate the value of the draw clearance. आप किसकी value को calculate कर सकते हो? Draw clearance की value को calculate कर सकते हो. Now come to the next point, that is the deep drawability. Next point is the deep drawability. तो मतलब हम बहुत ही ज़्यादा deep drawing करेंगे तो उसे हम कहेंगे deep drawability. तो काफ़ी easy topic है. Next point is छोटे छोटे टॉपिक आएंगे बहुत ही सिंपल, दैट इज द डीप ड्रॉएबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डीप
ड्रॉएबिलिटी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में ड्राइंग करनी है तो उसे हम कहते हैं डीप ड्रॉएबिलिटी, मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी डीपली ड्राइंग की जा सकती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डीप ड्रॉएबिलिटी। लेकिन कितनी गहरी को हम कहेंगे डीप ड्रॉएबिलिटी, when the height of the object is more than radius or when the height of the object is more than the half of the diameter, then that object is known as a deeply drawable. तो अगर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट रेडियस से ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसकी जो ड्राइंग ऑपरेशन होगी वो डीप ड्राइंग ऑपरेशन होगी। कैसी ऑपरेशन होगी? डीप ड्राइंग ऑपरेशन। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। डीप ड्रॉएबिलिटी का मतलब है कि आपके मटेरियल के पास सफिशियंट डक्टिलिटी है। आपके मटेरियल के पास क्या है? सफिशियंट डक्टिलिटी, तभी तो उसका ड्राइंग ऑपरेशन आसानी से हो रहा है। तो जब भी हम डीप ड्रॉएबिलिटी ऑपरेशन करते हैं उस कंडीशन में आपका मटेरियल का जो फ्लो होता है वो रेडियल फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है? रेडियल। और रेडियल फ्लो होने के कारण उसकी थिकनेस और हाइट दोनों ही क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं एक और पॉइंट कि यहाँ पर जो फ्लो होगा मटेरियल का वो रेडियल फ्लो होगा। कौन सा फ्लो होगा? रेडियल फ्लो। और रेडियल फ्लो होने के कारण जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होती है हाइट इज ऑल्सो इंक्रीजेज, हाइट भी क्या हो जाती है उसकी? इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको क्या रखने पड़ेंगे? यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, दैट इज डीप ड्रॉएबिलिटी व्हेन द हाइट इज मोर देन द रेडियस, व्हेन हाइट इज मोर देन द 1/2 ऑफ इट्स डायमीटर। इसमें आपका रेडियल फ्लो होता है और आपके मटेरियल के पास सफिशियंट डक्टिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सफिशियंट डक्टिलिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट ये जो आपका डीप ड्रॉएबिलिटी होता है ये किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? ये जो आपका डीप ड्रॉएबिलिटी होता है ये आपके ड्रॉइंग या आपकी ड्राइंग और स्ट्रेचिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? ड्राइंग और स्ट्रेचिंग। तो ड्राइंग से आप भलीभांति परिचित हो, आपको पता है, इंट्रोड्यूस मैंने आपको कर दिया है, लेकिन स्ट्रेचिंग आपको नहीं पता है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेचिंग ऑपरेशन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं हमारे डीप ड्रॉएबिलिटी में एक ऑपरेशन की, वो ऑपरेशन होता है आपका डबल एक्टिंग डीप ड्राइंग। विद द हेल्प ऑफ द डबल एक्टिंग डीप ड्रॉइंग हम क्या करते हैं? हम आपका सिलेंड्रिकल वेसल प्रोड्यूस करते हैं जिसके नीचे का जो बेस होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट डाल के रखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। दैट इज इन विच ऑपरेशन, विद द हेल्प ऑफ द विच ऑपरेशन यू कैन प्रोड्यूस ए सिलेंड्रिकल वेसल विद द फ्लैट बेस, विद द फ्लैट बेस। तो वो क्या ऑपरेशन होगा आपका? डबल एक्टिंग डीप ड्रॉइंग। तो यहां लिखिए डबल एक्टिंग डीप ड्रॉइंग विद द हेल्प ऑफ द डबल एक्टिंग डीप ड्रॉइंग आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? आप प्रोड्यूस कर सकते हो एक सिलेंड्रिकल वेसल और इस सिलेंड्रिकल वेसल में जो आपका बेस होने वाला है, जो आपका बॉटम होने वाला है वो कैसा होगा? फ्लैट बॉटम। तो इसमें होगा आपका फ्लैट बॉटम, इसमें क्या होगा आपका? फ्लैट बॉटम होगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। अब मैं वापस आता हूँ डक्टिलिटी पर। किस पर आता हूँ? डक्टिलिटी पर। अगर डीप ड्रॉइंग आप करना चाहते हो और आपके मटेरियल के पास सफिशियंट डक्टिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर आपके मटेरियल के पास सफिशियंट डक्टिलिटी नहीं होगी तो ये वाला जो पंच है ये इतना ज़्यादा फोर्स लगा देगा कि आपके मटेरियल में, आपके ब्लैंक में हो जाएगी पायरिसिंग। क्या हो जाएगी? पायरिसिंग मतलब पंचिंग हो जाएगी। इफ मटेरियल इज नॉट डक्टाइल देन व्हाट विल हैपन? इफ मटेरियल इज नॉट इनफ डक्टाइल देन योर ब्लैंक विल बी पंच्ड और योर ब्लैंक विल बी पायरेसेड बाय पंच। और हम कह सकते हैं पंच विल प्रोड्यूस होल इन द ब्लैंक।
इन द ब्लैंक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके मटेरियल के पास सफिशियंट डक्टिलिटी नहीं होगी तो आपका जो पंच है आपके ब्लैंक के अंदर होल प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस कर देगा? होल प्रोड्यूस कर देगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डीप ड्रॉइंग के बाद मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, दैट इज द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द डीप ड्रॉइंग। आपके डीप ड्रॉइंग में क्या क्या स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है, आपके फ्लैंज में क्या स्ट्रेस इंड्यूस होती है और आपके ब्लैंक में क्या स्ट्रेस इंड्यूस होती है, आपकी जो वॉल है उसमें क्या स्ट्रेस इंड्यूस होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज द स्ट्रेसेस इन डीप ड्रॉइंग। स्ट्रेसेस इन डीप ड्रॉइंग। नाउ कम टू द पॉइंट दैट कि यहां पर जो हम स्ट्रेसेस निकालना चाह रहे हैं तो हम दो जगह निकालना चाह रहे हैं। निकालना इन द सेंस हमें पता होना चाहिए कि यहां पर जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है उसका क्या नेचर होता है। तो पहले पॉइंट की बात हम करते हैं। पहला पॉइंट है इन द फ्लैंज ऑफ ब्लैंक। फ्लैंज कहां है? देखो, दिस इज द फ्लैंज। इस फ्लैंज में कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है? इस फ्लैंज में आपके बाई एक्शियल टेंशन एंड कॉम्प्रेशन दो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है फ्लैंज में। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में फ्लैंज में पूछा जा रहा है या फिर वॉल में पूछा जा रहा है, तो वॉल में अलग होगी। वॉल में आपकी सिंपल यूनिएक्शियल टेंशन होगा, सिंपल यूनिएक्शियल टेंशन होगा, लेकिन जो आपका फ्लैंज होगा उसके अंदर बाई एक्शियल टेंशन और कंप्रेशन होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि कोई मटेरियल है उसकी डीप ड्रॉएबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। दिस विल बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फेयर रेशियो, दैट इज नोन एज ए डी बाई डी रेशियो। इस डी बाई डी रेशियो के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि आपके मटेरियल की डीप ड्रॉइंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। वट इज दिस कैपिटल डी? कैपिटल डी इज द ओरिजिनल ब्लैंक डायमीटर। एंड वट इज द स्मॉल डी? स्मॉल डी इज द पंच डायमीटर। आप पंच डायमीटर को भी स्मॉल डी कंसिडर कर सकते हो तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डीप ड्रॉएबिलिटी, तो डीप ड्रॉएबिलिटी के लिए हमने एक रेशियो डिफाइन किया है, उस रेशियो को हम कहते हैं लिमिटिंग ड्रॉएबिलिटी रेशियो या फिर लिमिटिंग ड्रॉइंग रेशियो। उसकी वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग ड्रॉइंग रेशियो। तो ये जो आपका लिमिटिंग ड्रॉइंग रेशियो होता है, मुझे एक बात बताइए, ये 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा? ये हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा, ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 1.6 to 2.3। कितनी वैल्यू होगी इसकी? 1.6 से लेके आपके 2.3। अगर आपके मटेरियल में डीप ड्रॉएबिलिटी जैसी कंडीशन नहीं है तो मैं कह देता हूँ कि जैसे ही आप पंच मारोगे, पंच आपके ब्लैंक के अंदर होल की पायरिसिंग कर देगा, होल को क्या कर देगा? प्रोड्यूस कर देगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एवरेज रिडक्शन इन द डीप ड्रॉइंग। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, वट इज द एवरेज रिडक्शन इन द डीप ड्रॉइंग। काफी सिंपल है ये, एवरेज रिडक्शन इन द डीप ड्रॉइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज रिडक्शन इन डीप ड्रॉइंग। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे एवरेज रिडक्शन इन डीप ड्रॉइंग। एवरेज रिडक्शन इन डीप ड्रॉइंग। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो एवरेज रिडक्शन इन डीप ड्रॉइंग होता है, ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज डिफाइन किया जाता है। मैं एक रेशियो ले रहा हूँ डी बाई डी। क्या रेशियो ले रहा हूँ? डी बाई डी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डी बाई डी वी विल डिफाइन द एवरेज रिडक्शन इन द डीप ड्रॉइंग। हम क्या डिफाइन करेंगे? एवरेज रिडक्शन इन द डीप ड्रॉइंग। और इसकी वैल्यू क्या होती है? देखिए, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई डी इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू सम परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू सम परसेंटेज। तो अगर मैं बात करता हूँ हमारे फर्स्ट रिडक्शन की, तो फर्स्ट रिडक्शन में कितना रिडक्शन होता है? 50%। कितना रिडक्शन होता है? 50। सेकेंड में देखिए, सेकेंड रिडक्शन कितना होगा? सेकेंड रिडक्शन विल बी इक्वल्स टू 50 से कम होगा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 30%। थर्ड रिडक्शन में देखिए,
थर्ड रिडक्शन में क्या होगा, थर्ड रिडक्शन में 30% से कम होगा, किससे कम होगा, 30% से आपका होगा 25% रिडक्शन, कितना परसेंट रिडक्शन होगा 25। फोर्थ में कितना होगा जल्दी बताइए, फोर्थ रिडक्शन में 25% से भी कम होगा, और कितना कम होगा 16% रिडक्शन होगा। फिफ्थ रिडक्शन में कितना होगा, फिफ्थ रिडक्शन में 16 से भी कम होगा, फिफ्थ रिडक्शन में क्या होगा 16 से भी कम होगा, एंड दिस रिडक्शन विल बी इक्वल्स टू 13%, कितना रिडक्शन होगा 13% रिडक्शन होगा। तो ये आपको एवरेज रिडक्शन यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज द एवरेज रिडक्शन इन द डीप ड्राइंग। फर्स्ट रिडक्शन में आपका 50% होता है, सेकेंड रिडक्शन में आपका 30% होता है, थर्ड रिडक्शन में आपका 25% होता है, फोर्थ में 16 एंड फिफ्थ में होता है आपका 13%। ये कैसे डिफाइन किया जाता है, दिस विल बी डिफाइंड एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी रेशियो, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी रेशियो। सो दिस इज द परसेंटेज रिडक्शन, दैट इज 1 - d/d × 100। सपोज इफ कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 50% और इक्वल्स टू 1/2, इन दैट केस फर्स्ट रिडक्शन विल बी इक्वल्स टू 50%। तो ये चीज अगर आप याद रखना चाहो तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हर रिडक्शन में परसेंटेज रिडक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिजाइन ऑफ द डाई, आपकी जो डाई होती है उसका डिजाइन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, डिजाइन ऑफ द डाई, काफी सिंपल है ये, ये आपका जो डाई का जो डिजाइन है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपकी तीन टाइप की डाइज होती है, कितने डाइज होती है, तीन टाइप की डाइज, और तीन टाइप की डाइज में भी हम बात करेंगे सिर्फ एक ही एग्जांपल के साथ, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द वॉशर, कि अगर हम वॉशर को प्रोड्यूस करना चाहें तो इन अलग अलग डाई की हेल्प से हम कैसे कैसे करेंगे, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि डाई की एप्लीकेशंस भी क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज द डाई डिजाइन, दैट इज द डाई डिजाइन। तो डाई डिजाइन में हम तीन टाइप के डिजाइन की बात करेंगे, पहला होगा आपका प्रोग्रेसिव डाई, पहली होगी आपकी प्रोग्रेसिव डाई, दूसरी क्या होगी आपकी कंपाउंड डाई, दूसरी होगी आपकी कंपाउंड डाई, तीसरी होगी आपकी कंबाइंड डाई या फिर कॉम्बिनेशन डाई। सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्रोग्रेसिव डाई की, किसकी बात करते हैं, प्रोग्रेसिव डाई। तो देखिए प्रोग्रेसिव डाई में दो स्टेशन होंगे, कितने स्टेशन होंगे, दो। सो दिस इज द स्टेशन 1, दिस इज द स्टेशन 2। यहाँ पर होगी आपकी एक रैम और वो लगाएगी स्ट्रोक, वो क्या लगाएगी, स्ट्रोक लगाएगी। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ हमारे वॉशर का, किसका एग्जांपल लेता हूँ, वॉशर। तो जब मैं वॉशर का एग्जांपल लेता हूँ तो वॉशर आपको पता होगी कैसी होगी, ये आपकी एक होलो ब्लैंक होती है, ऐसी नज़र आती है वॉशर आपको, बीच में होल होता है और साइड में ये क्या होती है, सर्कुलर। सपोज आपके पास जो ब्लैंक है वो कुछ इस तरीके की है, सो दिस इज द ब्लैंक, लेकिन जो आपको वॉशर चाहिए वो कुछ इस तरीके की चाहिए, ऐसी, ठीक है। तो उसका जो मेजर डायमीटर है वो ये है और जो माइनर डायमीटर है वो ये है, मतलब कि आपको ये वाला जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो अब रेड कलर में कर रहा हूँ ये हटाना पड़ेगा, और ये बीच वाला जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए स्टेशन 1 में क्या होगा, स्टेशन 1 में जब आपका ये ब्लैक वाला ब्लैंक पहुंचेगा तो ये कुछ इस तरीके से पहुंचेगा, सो दिस इज ब्लैक वाला ब्लैंक, क्लियर है। तो जब ये ऐसे पहुंचेगा तो आपको ये अंदर वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा यहां से यहां तक, मिल गया। सो दिस इज द रेड कलर प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मतलब ये आपको वॉशर मिलेगा बिना होल के वॉशर मिलेगा, लेकिन वो वॉशर ही क्या जिसमें होल ना हो, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे। तो जब मैं इसको आगे शिफ्ट करूंगा तो इसको मैं रखूंगा यहां पर,
तो जब ये ऐसे अंदर से निकलेगा तो आपको ऐसा वॉशर मिलेगा। अब इसके अंदर होल प्रोड्यूस हो चुका होगा, लेकिन इसमें ऑपरेशन हो कैसे रहा? देखो, पहली बारी में तो क्या होगा, हमें यहाँ ब्लैक रखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वाला हमें यहाँ रखना पड़ेगा, तो दो स्ट्रोक हो गए। लेकिन जैसे ही हम अगले स्ट्रोक में आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं रेड कलर वाला यहाँ से उठाकर यहाँ रख रहा होऊंगा, उसी टाइम पर मैं वापस एक दूसरा ब्लैक वाला यहाँ रख दूंगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपका रैम एक स्ट्रोक मारेगा तो उस कंडीशन में आपके इस वाले में तो होल प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन इस ब्लैक वाले में बिना होल वाला वॉशर आपको मिल जाएगा। सो दैट इन द नेक्स्ट स्ट्रोक व्हाट विल हैपन, इस वाले को आप वापस यहां पर शिफ्ट कर सको। साथ ही साथ यहां पर आप देखिए, यहां दो ऑपरेशन हो रहे, एक तो हो रहा है ये बाहर वाले को हटाना, एक ऑपरेशन क्या हो रहा है, ये बाहर वाले को हटाना, ये हटा दिया। दूसरा ऑपरेशन क्या हो रहा है, दूसरा ऑपरेशन हो रहा है इसके ये जो अंदर वाला मटेरियल है इसको रिमूव करना, इसको क्या करना, रिमूव करना। ये दोनों ऑपरेशन अलग अलग स्ट्रोक में हो रहे हैं, बाहर वाला ऑपरेशन अलग स्ट्रोक में होगा इस स्टेशन वन पे, अंदर वाला ऑपरेशन अलग स्ट्रोक में होगा इस स्टेशन पे, लेकिन एक स्ट्रोक में आपको, एक स्ट्रोक में आपको यहां पर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको सिंगल स्ट्रोक में वहां पर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। इसमें सिंगल स्ट्रोक में सिंगल ऑपरेशन हो रहा है और वो भी एक सिंगल स्टेशन पर हो रहा है, लेकिन सिंगल स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद एंड में आपको एक प्रोडक्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर प्रोडक्ट पर दो स्ट्रोक लगने जरूरी है, एक स्ट्रोक लगेगा यहां पर, एक स्ट्रोक लगेगा यहां पर। जब यहां से प्रोडक्ट उठ के यहां आएगा तो पीछे कोई और दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, तो मतलब एक स्ट्रोक में एक प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एक स्ट्रोक में हम दो ऑपरेशन करेंगे अलग अलग स्टेशन पर। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डाई, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव डाई। लेकिन लेकिन अगर एक ही स्ट्रोक में एक ही स्टेशन पर दो ऑपरेशन हो, एक ही स्ट्रोक में एक ही स्टेशन पर दो ऑपरेशन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड डाई। कैसे, देखो ये है आपका ब्लैंक, ये क्या है आपका ब्लैंक, तो कैसे होगा, देखो नीचे होगा एक आपका डाई, सो दिस इज द डाई, ठीक है, इसमें स्प्रिंग वगैरह भी लगे होते हैं तो उतनी ज्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। एक होगी डाई कुछ इस तरीके की, क्लियर है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होगी एक दूसरे से, तो ये देखो कैसे ऊपर जाएगी, यहां से जो ब्लू वाली है यहां से ऐसे ऊपर जा रही है, देखो ये ऊपर गई, ये ऊपर गई। ब्लैक वाली कहां से नीचे आएगी, देखो ब्लैक वाली यहां से नीचे आएगी, यहां से नीचे आएगी। अब देखो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वॉशर, तो ये देखो ये वॉशर मिलेगा आपको, इसमें से ये वाला आपका सॉलिड पार्ट होगा, ये वाला होलो पार्ट होगा, और ये वाला भी क्या होगा, सॉलिड पार्ट, ये वाला भी क्या होगा आपका, सॉलिड पार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसे सपोर्ट भी होगा, वो अलग बात है, ये कैसे होता है आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर कुछ स्प्रिंग्स का भी अरेंजमेंट होता है, तो उस डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपाउंड डाई में क्या याद रखना है, सिंगल स्ट्रोक में एक ही स्टेशन पर दो ऑपरेशन होंगे, सिंगल स्ट्रोक में, ध्यान रखिए कंपाउंड डाई का, सिंगल स्ट्रोक में, सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्टेशन, सिंगल स्टेशन, कंबाइंड डाई, कंबाइंड डाई, ठीक है, सॉरी कंपाउंड डाई नॉट कंबाइंड, कंपाउंड डाई मतलब दो डाई होंगी, टू डाई, टू ऑपरेशन, टू ऑपरेशन, वन प्रोडक्ट,
टू ऑपरेशन वन प्रोडक्ट, जस्ट अ कॉमन सेंस। आप तो यहां से देख के भी इस चीज को समझ चुके हो कि जो आपका कंपाउंड डाई होगा उसमें जो आपको वॉशर मिलेगा वो कैसा मिलेगा। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉम्बिनेशन डाई की, तो कॉम्बिनेशन डाई क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। कॉम्बिनेशन डाई में क्या होगा, कॉम्बिनेशन डाई में कुछ नहीं होगा, कॉम्बिनेशन डाई में आपकी होगी एक तो कंपाउंड डाई, क्या होगी कंपाउंड डाई, कंपाउंड डाई के साथ साथ यहां पर बैंडिंग फॉर्मिंग एक्सेट्रा ऑपरेशन कैरिड आउट होंगे। तो कंपाउंड डाई के साथ अगर हमने बैंडिंग ऑपरेशन कर दिया तो कॉम्बिनेशन डाई, कंपाउंड डाई के साथ अगर हमने फॉर्मिंग ऑपरेशन कर दिया दैट विल बी ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन डाई। तो सिंपल सा डाई डिजाइन आपको इतना ही याद रखना है कि प्रोग्रेसिव होती है, कंपाउंड होती है और कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल पता है तो क्वेश्चन को आसानी से समझ के आप अटेम्प्ट कर दोगे, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। डेफिनेशंस वगैरह पढ़ोगे आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी डेफिनेशन तो पढ़नी है, आपको फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लुब्रिकेशन, कि हम लुब्रिकेशन का यूज क्यों करते हैं, खुद बता दोगे आप, व्हाई डू वी यूज लुब्रिकेशन। अगर हम लुब्रिकेशन का यूज करेंगे तो जो आपकी डाई की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहां पर आप लिख सकते हो द लाइफ ऑफ द डाई विल बी इंक्रीजेस, आपके डाई की लाइफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो आपको फोर्स चाहिए वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने लुब्रिकेशन यूज किया है, फ्रिक्शन विल बी रिड्यूसेस, तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन विल बी ऑल्सो रिड्यूसेस। आपके जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, टेम्परेचर विल बी ऑल्सो रिड्यूसेस, टेम्परेचर भी आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्ट की जो सरफेस फिनिश है, आपके ऑब्जेक्ट की जो सरफेस फिनिश है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव, मतलब वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लुब्रिकेशन, लाइफ इंक्रीज हो जाती है आपके डाई की, आपके पंच की, और जो फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दिस ऑपरेशन दैट विल बी रिड्यूसेस एंड द टेम्परेचर विल बी ऑल्सो रिड्यूसेस, सेम एज द सरफेस फिनिश विल ऑल्सो इम्प्रूव इफ यू आर यूजिंग द लुब्रिकेशन इन योर ड्रॉइंग ऑपरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट डिफेक्ट्स इन द ड्रॉइंग, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन द ड्रॉइंग। काफ़ी सिंपल है और यहाँ से डिफेक्ट पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा डिफेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं कि आपकी ड्रॉइंग में क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिफेक्ट है, अगर हमें इनके रीजंस पता होंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज द डिफेक्ट्स इन ड्रॉइंग ऑपरेशन, आपके ड्राइंग ऑपरेशन में क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है वो होता है आपका रिंकलिंग, कौन सा डिफेक्ट होता है, रिंकलिंग डिफेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं रिंकलिंग डिफेक्ट आपको कैसा नजर आएगा। सो दिस इज द रिंकलिंग डिफेक्ट, ये आपका क्या है, रिंकलिंग डिफेक्ट है, इसे हम कहते हैं रिंकल्स, इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रिंकल्स डिफेक्ट कहते हैं। तो रिंकल्स आपने नाम सुने होंगे कि रिंकल्स हो गए भाई, ये वही वाला रिंकल्स है, ठीक है। तो रिंकल्स डिफेक्ट इस तरीके से नजर आता है, ये रिंकल डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, दिस रिंकल डिफेक्ट विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू द इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर। तो इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन क्या होगा आपका, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर। तो अगर प्रेशर कम है, जो आपने ब्लैंक को होल्ड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ द ब्लैंक होल्डर, वो अगर प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में आपका एक डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो होगा रिंकल्स। ये रिंकल डिफेक्ट्स जनरली आपके फ्लैंजेस में प्रोड्यूस होता है, देख सकते हो आप ड्राइंग में कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लैंजेस में। कभी कभी क्या होता है, ये डिफेक्ट आपके वॉल्स तक पहुँच जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है, वॉल्स तक पहुँच जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्या रखने पड़ेंगे, यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफेक्ट, और ये जो आपका नेक्स्ट डिफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। नेक्स्ट डिफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। ये बिल्कुल अपोजिट है इसका, इसमें आपका जो ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर है वो इनसफिशियंट है, यानी कम है। अब देखो फ्रैक्चर डिफेक्ट आपको कैसे नजर आएगा,
सो दिस इज द फ्रैक्चर डिफेक्ट. फ्रैक्चर कब होता है? जब फोर्स बहुत ज्यादा हो. फ्रैक्चर कब होता है? जब फोर्स बहुत ज्यादा हो. तो यहां पर इनसफिशियंट था रिंकल्स में, फ्रैक्चर में बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो यहां पर आप इसका रीजन लिखिए, टू मच ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर. टू मच ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर. टू मच ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर. तो इस प्रेशर के ज्यादा होने के कारण, इस प्रेशर के ज्यादा होने के कारण आपके पार्ट्स में फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं. क्या प्रोड्यूस होते हैं? फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर है? आपके पार्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो जाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एयरिंग डिफेक्ट. दैट इज द एयरिंग डिफेक्ट. एयरिंग, तो देखिए एयरिंग डिफेक्ट आपको कैसा नजर आता है. सो दिस इज द एयरिंग डिफेक्ट. एयरिंग डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है? एयरिंग डिफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब आप किसी रोलिंग किए हुए ऑब्जेक्ट की ड्रॉइंग कर रहे हो. ध्यान रखिएगा, ये एयरिंग डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा? देखिए आपकी जो कॉर्नर है वो ऐसे ऊपर नीचे नजर आ रही होगी इसमें ऐसे, ठीक है. जो पेरीफेरी होगी, पेरीफेरी उसके जो टॉप साइड होगी उसके ऐसे ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है. तो ये वाला जो एयरिंग डिफेक्ट है ये कब होगा? जब आपने रोल्ड स्टॉक की ड्राइंग की. किसकी की? रोल्ड स्टॉक की ड्राइंग की. तो रोल्ड स्टॉक की ड्राइंग करने के कारण आपका एक डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एयरिंग डिफेक्ट कहते हैं. क्या डिफेक्ट कहते हैं? एयरिंग डिफेक्ट. क्यों हुआ? क्योंकि रोल्ड करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रोलिंग. हमें क्या करनी पड़ेगी? रोलिंग. और रोलिंग करने से एक एनिसोट्रोपी नाम की चीज होती है जो हमने डिस्कस की थी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायमेंशन. बिकॉज ऑफ दिस एनिसोट्रोपी एयरिंग डिफेक्ट विल बी प्रोड्यूस इन योर ड्रॉइंग प्रोडक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज द ऑरेंज पील. नेक्स्ट टाइप का डिफेक्ट है आपका ऑरेंज पील. तो ऑरेंज खाया सभी ने? बिल्कुल सर, हम सब ने ऑरेंज खाया. तो नेक्स्ट डिफेक्ट डालिए ऑरेंज पील. कौन सा डिफेक्ट है? ऑरेंज पील. तो ऑरेंज की जैसी सरफेस होती है ना, वैसी सरफेस आपको नजर आने लगेगी, ठीक है. ऑरेंज की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही सरफेस आपको इस ऑरेंज पील डिफेक्ट में नजर आएगी. तो आइए देखते हैं ये डिफेक्ट आपको कैसा नजर आता है. सो दिस इज द ऑरेंज पील डिफेक्ट. अब आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा ये ऑरेंज पील डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है. पहली चीज तो ये सरफेस पर प्रोड्यूस होता है. और ये सरफेस पर क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि अगर आपके मटेरियल की जो ग्रेन है वो कोर्स ग्रेन हो जाए. क्या ग्रेन हो जाए? कोर्स ग्रेन. तो कोर्स ग्रेन होने के कारण क्या होगा? उसका अनइवन फ्लो होगा. और अनइवन फ्लो होने के कारण आपके ऑब्जेक्ट पर एक सरफेस रफनिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ऑरेंज पील. जिसे हम क्या कहेंगे? ऑरेंज पील कहेंगे. अब देखिए इसमें पॉइंट आप लिखिए क्या क्या है. पहली चीज, ये तो आपका एक सरफेस रफनिंग डिफेक्ट है. कैसा डिफेक्ट है? सरफेस रफनिंग डिफेक्ट. ये कब प्रोड्यूस होता है? जब आपका ग्रेन का साइज कैसा हो? कोर्स हो. ग्रेन का साइज कैसा हो? कोर्स हो. अब इस कोर्स होने के कारण क्या होता है? अनइवन फ्लो होता है मटेरियल का. अनइवन फ्लो ऑफ मटेरियल, अनइवन फ्लो ऑफ स्टॉक भी कह दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इनके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑरेंज पील डिफेक्ट. उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑरेंज पील डिफेक्ट. अब कभी कभी अगर हम प्रॉपर एनिलिंग ना करें या फिर दो ज्यादा एनिलिंग कर दें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमने एनिलिंग कर दी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, तो उस कंडीशन से क्या होगा? आपका जो ग्रेन ग्रोथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा और वो आपका ग्रेन कोर्स ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कोर्स ग्रेन में अगेन कन्वर्ट होने के कारण आपका ऑरेंज पील डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज बिकॉज ऑफ द अनइवन फ्लो ऑफ द लार्ज ग्रेन्स. अनइवन फ्लो ऑफ द लार्ज ग्रेन्स. और ये लार्ज ग्रेन किन के कारण प्रोड्यूस हुई है? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एनलिंग. बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एनलिंग. तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा ऑरेंज पील में. नेक्स्ट आपका डिफेक्ट होता है वो होता है आपका मिस स्ट्राइक. ऑरेंज पील के बाद नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका मिस
स्ट्राइक। मिस स्ट्राइक कब होता है? जब आपने ब्लैंक को ठीक जगह ना रखा हो। जब आपने ब्लैंक को ठीक जगह ना रखा हो तो देखिए ये डिफेक्ट कैसा होता है। सो दिस इज द मिस स्ट्राइक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट तब प्रोड्यूस होगा जब आपने ब्लैंक को मिसप्लेस कर दिया हो, उसको ठीक जगह पर ना रखा हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट। मिस स्ट्राइक के बाद अब आपका नेक्स्ट डिफेक्ट आ रहा है, दैट इज द स्ट्रेचर स्ट्रेन्स। दैट इज द स्ट्रेचर स्ट्रेन्स। ये जो आपका मिस स्ट्राइक होता है, इसके कारण आपकी जो फ्लेंज होती है, जैसा आप देख सकते हो आपके इमेजेस में, ये अनसिमेट्रिकल हो जाती है, ये सिमेट्रिकल नहीं रहती है। तो कैसी हो जाती है, देखो, ये आपका कोई मान लो कंटेनर है, ये इसका होलो पार्ट है, इसकी फ्लेंज कुछ ऐसे हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। सो दिस इज द फ्लेंज, ये ऐसी हो जाएगी फ्लेंज, ठीक है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। हमने क्या कर दिया, इसको गलत जगह रख दिया। अब गलत जगह रखेंगे तो इसमें जब हम ड्राइंग ऑपरेशन करेंगे, जब डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कहीं फ्लेंज ज़्यादा बड़ी मिल जाएगी, कहीं फ्लेंज थोड़ी छोटी मिल जाएगी। सो दिस इज द मिस स्ट्राइक। ये क्या है, आपका मिस स्ट्राइक डिफेक्ट है। दूसरा था आपका स्ट्रेचर स्ट्रेन्स। तो नेक्स्ट डिफेक्ट डालिए, नेक्स्ट डिफेक्ट इज स्ट्रेचर स्ट्रेन्स। स्ट्रेचर स्ट्रेन्स, तो स्ट्रेचर स्ट्रेन्स को देखते हैं ये कैसा नजर आता है। सो दिस इज द स्ट्रेचर स्ट्रेन डिफेक्ट। ये किसके कारण होता है, ये आपके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण होता है। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग आपकी इनहोमोजेनियस यील्डिंग होगी तो ये स्ट्रेचर स्ट्रेन डिफेक्ट आपको नजर आएगा। और ये जो स्ट्रेचर स्ट्रेन डिफेक्ट है, इसके कारण आपके सरफेस पर क्रिस क्रॉस जैसे आपकी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि आपको नजर आएगी, जो कि आपको नजर आएगी। और ये जो डिफेक्ट है, ये आपका लो कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम से सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे, दैट इज इट इज कॉज्ड बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये किसके कारण होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण होता है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में भी ड्यू टू इनहोमोजीनियस यील्डिंग। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि ये किसके कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, दीज लाइंस कैन क्रिस क्रॉस ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस विच इज ऑब्जेक्शनेबल। मतलब आपके प्रोडक्ट पर ये प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपका जो कस्टमर है उसको खरीदने से मना कर सकता है। सो दिस इज द ऑब्जेक्शनेबल। और ये सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे ज्यादा ये आपके लो कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम में होता है। किसमें होता है, लो कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम में। तो रिगार्डिंग द स्ट्रेचर स्ट्रेन्स आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफेक्ट, दैट इज द सरफेस स्क्रैचेस। सरफेस पर क्या प्रोड्यूस हो चुके हैं, स्क्रैच प्रोड्यूस हो चुके हैं। और ये स्क्रैच कब प्रोड्यूस होंगे, जब आपने इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन का यूज किया हो। जब आपके डाई की सरफेस या फिर पंच की सरफेस स्मूथ ना हो, तो उस कंडीशन में आपका जो सरफेस है ऑब्जेक्ट का, उसकी ऊपर स्क्रैच प्रोड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज द सरफेस स्क्रैचेस। कि स्क्रैचेस कब प्रोड्यूस होते हैं, ये जब प्रोड्यूस होंगे जब आपके डाई और पंच पर स्मूथ सरफेस नहीं हो, या फिर आपने जो लुब्रिकेंट यूज किया है वो इनसफिशिएंट हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट वियर विल बी मोर, और ज्यादा वियर होने से आपके ड्राइंग के ऑब्जेक्ट पर सरफेस स्क्रैच प्रोड्यूस हो सकते हैं। सरफेस स्क्रैच क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहां पर ये जो आपका ड्राइंग का जो पॉइंट है, ये कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।